आपने देखना भी, मध्य प्रदेश सरकार की अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से कहता हूं कि आज कैबिनेट की बैठक है, अगर आप अतिथि हित में चाहते हो और अतिथियों का सपोर्ट मध्य प्रदेश के उपचुनावों में चाहते हो तो आज आप कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वरना कल से मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक सड़कों पर होगा, भारी विरोध होगा, इसके परिणाम और इसके कारक आप होंगे। आपकी बदौलत हमको आंदोलन की राह पर जाना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 12-13 वर्षों से आपसे मांग रहे हैं लेकिन आपके जू तक नहीं रेंगती। क्या हम आपके वर्ग से नहीं है? आपने हमें वंचित वर्ग में पटक रखा है। अतिथि शिक्षक सदैव आपका हितेशी रहा है, आपसे विनम्रता से मांगा है लेकिन अतिथि शिक्षकों की ओर आपने देखना भी बंद कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल से अतिथि शिक्षक आंदोलन की राह पर जा रहा है। नित्य विरोध प्रदर्शन होंगे, हर तरीके विरोध प्रदर्शन होंगे, सड़कों पर उतरना पड़ेगा क्योंकि माननीय सिंधिया जी ने भी हमारे कंधे पर हाथ रखकर सरकार बदल ली, राज्यसभा सदस्य बन गए, उनके विधायकों को मंत्री बना दिया। जब ना विधायक ना रहते हुए आपने मंत्री बन सकते हैं तो अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण क्यों नहीं? आप रोज करोड़ों रुपए का भूमि पूजन कर रहे हैं, अरबों रुपए के भूमि पूजन कर रहे हैं लेकिन वहां बजट की कमी नहीं है और अतिथि शिक्षकों के लिए बजट की कमी आ गई। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज कैबिनेट में निर्णय ले, वरना कल से अतिथि शिक्षकों के विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा और इसके जिम्मेदार मध्य प्रदेश की सरकार होगी। माननीय अतिथि शिक्षकों, आपको पूरा कार्यक्रम शाम तक मिल जाएगा, आप सब लोग तैयार रहें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं सरकारी शिक्षक बनना, एमपी शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वीडियो कोर्स लेकर आए हैं परीक्षा ऐप के माध्यम से, आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा और फर्स्ट जो 100 यूजर होंगे उन्हें हम 40% की यहाँ पे छूट देंगे, लेकिन उन्हें यह कूपन जो कैलाश 40 लिखा है यह उन्हें कूपन में यूज करना होगा, तब उन्हें छूट मिलेगी। यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जाता है तो